के जरवल विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत करनई पर यहाँ पर मौजूद है और आज यहाँ पर जो है बूथ स्तरीय जो कार्यकर्ता है इनको सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं यहाँ पर सभी सम्मानित लोग आगे खड़े हुए हैं और इन लोगों के गले में भारतीय जनता पार्टी का गमछा है और माला है। तो जो आज मुखातिब है जो लोकतंत्र सेनानी है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद गुप्ता जी हमारे बीच में है। इन्होंने आज काफी समय दिया, हम संक्षिप्त में थोड़ा जानना चाहते हैं, बात करते हैं। तो चाचा आज आपने समय भी बहुत दिया है, तो आज जो ये सम्मानित किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, तो ये क्रम कब तक चलेगा, क्या इसी तरीके से चलता रहेगा क्रम? ये क्रम अभी थोड़े दिन और चलेगा जी, और इसमें जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं जी उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं जी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है अमित शाह जी का कि जब हम बूथ जीतेंगे तो लोकसभा जीतेंगे, और लोकसभा जब जीतेंगे तो 350 सीट के ऊपर अस्थि हम ले जाएंगे, ऐसा उनकी सोच है और ऐसा हम लोगों का संकल्प है। हम एनडीए की सरकार बनाएंगे और बड़े बहुमत। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए अभी जो है चाचा जी ने अपनी बात रखी, हम सीधे जो जय जवान जय किसान के विद्यालय के उप प्रधानाचार्य थे श्री सूरमर शुक्ला जी भी हमारे बीच में हैं और बहुत अच्छा कविता भी वो सुनाते हैं, थोड़ा संक्षिप्त में जो कविता सुनाए वो कविता भी उनसे सुनेंगे। तो सर आज आपने भी समय बहुत दिया है, तो जो भी बैठक में आपने कविता सुनाई थी सर, वो कविता आपको भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो मनुज नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाइए मास्टर साहब के लिए, बहुत बहुत अच्छी कविताओं के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को रखा है। और आज जिसके दरवाजे पे कार्यक्रम हुआ है वो यहाँ बूथ के जो अध्यक्ष भी हैं हम, और युवा जो हम सीधे उनसे बात भी करते हैं, उनका नाम भी पूछते हैं। तो आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे? ज्ञानेंद्र सिंह यानी। तो आज जो कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है और काफी कार्यकर्ता है, आप देख भी रहे, कुछ लोग ऊपर भी खड़े हैं, कुछ लोग साइड में खड़े हैं, महिलाएं भी साइड में हैं, तो आज आपको कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लगा। नहीं तो क्या आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव होगा तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे, क्या करेंगे? दिल जान लगा देंगे पूरी, और जो है दोबारा नरेंद्र मोदी जी को 2019 में जिता करके और इससे ज्यादा सीटें ला करके उनको कुर्सी पर बैठाने का संकल्प लेंगे। देखिए देखिए पूरे पूरे कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प कर लिया है कि दोबारा जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को ये फिर से कुर्सी में बैठाएंगे। न्यूज प्लस इंडिया से अशोक छोटियाना, जनपद बहराइच। लड़ाइयां हुआ करती थी, जंग हुआ करती थी कि 12 बरस साल में वो इस रूप में तैयार हो जाते थे कि शत्रुओं से मुकाबला करके और अपने देश का अपने समाज का सम्मान करते थे। आज परिपाटी बदल गई, हम सब लोग मिल करके हमको न कहीं तीर चलाना है, न भाला चलाना, न कोर चलाना है, न कुछ करना है, केवल अपने मत का इस्तेमाल करना है। जब कभी इलेक्शन आता है तो हम केवल बटन, अगर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी से लगाव रखते हैं, अपने देश समाज से लगाव रखते हैं, तो सब लोग जुट करके संगठित होकर के जिनका नाम नहीं है इलेक्शन में नहीं आता है किसी कारणवश, उनका नाम आए और सब लोग मिलकर के जब भी इलेक्शन का मौका आए कि हमारे यहाँ जो भाई बैठे हुए हैं, जो बहनें बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं, विकास में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान कि जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता था उनको अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के, देश में हमारा मान सम्मान बढ़ा, देश में हमारा मान सम्मान बढ़ा। आज मोदी जी सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ के प्रधानमंत्री उनका स्वागत करने के लिए आतुर रहते हैं, कब वहाँ में कब हम उनका स्वागत करें। वो अमेरिका आया और मोदी जी वहाँ गए और ओबामा को मिस्टर ओबामा कह के संबोधित करके, मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी जो स्टेट है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति को ओबामा कह के बुलाना ये मोदी के बस की बात है और किसी के बस की बात नहीं। ये मोदी में करिश्मा, आप देखिए फ्रांस गए, जापान गए, आज जापान से कितनी बड़ी दोस्ती हो गई। हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन की जो सोच मोदी जी की है ये जापान के सहयोग से हो रही है। आज चाइना भी मजबूर है, चाइना भी मोदी जी के सामने झुकने के लिए मजबूर है।